हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉप 150 क्वेश्चंस है ICAR एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में है ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा निकेल धातु का। ठीक है, जो निकेल होती है उसका यूज किसमें किया जाता है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने। ठीक है, यहाँ पे विटामिन ABCD नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि विटामिन की खोज, तो आपको लिखकर आना है कि सही आंसर हो जाएगा फंक ने। प्राकृतिक गैस मिश्रण है, तो करेक्ट आंसर है ब्यूटेन और पेंटेन का। ठीक है, ब्यूटेन पेंटेन नहीं होगा, यहाँ पे प्रोपेन होगा। ठीक है, आपको याद रखना है ब्यूटेन और प्रोपेन का। फिर है LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टॉन को LPG में गंध के लिए, जो गैस में से जो गंध आती है वो मिथाइल मरकेप्टॉन के कारण आती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है लोहा निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, तो सही आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील है वो लोहा निकल और क्रोमियम की मिश्रित धातु है। नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, करेक्ट आंसर होगा थायरोक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्त दाब मापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, आपको याद रखना है। मनुष्य सुन नहीं सकता, तो यहाँ पे होगा पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, भव्य है, यहाँ पे श्रव्य कर लेना है आपको, पराश्रव्य तरंगे जो नहीं सुन सकता कौन, मनुष्य। श्वेत रक्त का औसतन जीवन काल क्या होता है, श्वेत रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का औसतन जीवन काल, तो 1 से 4 दिन। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ये तो सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 78%। नेक्स्ट है स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो सोडियम कार्बोनेट से स्थायी व अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना जल में स्थायी कठोरता का कारण है। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच का। किसका यूज किया जाता है, फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है। पारा तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं, तो क्रम में देखिए पारे का डोलोमाइट, तांबा लाइटर और एल्यूमिनियम प्रेनोकाइट। ठीक है, आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, क्रम में है ये डोलोमाइट, लाइटर और प्रेनोकाइट। कांसा मिश्र धातु है, सही आंसर हो जाएगा तांबा व टीन का। ठीक है, कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का। सबसे हल्की धातु है लिथियम, ये भी पूछा जाता है कई बार कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो है लिथियम। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। सोल्डर या टाका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर या टाका। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, तो करेक्ट आंसर है 24 कैरेट। ठीक है, शुद्धतम सोना की शुद्धता 24 कैरेट होती है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, तो सही आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, तो आइसोप्रिन का। ठीक है, आइसोप्रिन का बहुलक क्या होता है, रबड़। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन, मानव द्वारा संश्लेषित या सिंथेसिस पहला रेशा था। ठीक है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट टाइप का जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम टाइप का है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है, तो टेफ्लॉन की, ये बहुत पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है,
टेफ्लॉन के बने होते हैं नॉनस्टिक के बर्तन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है तो वो है रेडॉन, ठीक है। जमीन के अंदर प्रेजेंट होती है रेडॉन, भूकंप के समय भी निकलती है, आपको ये भी याद रखना है। गुब्बारों में प्रयोग होता है तो हीलियम गैस का प्रयोग होता है गुब्बारों में। फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है फोटोग्राफी में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना ये जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। विद्युत धारा मापी जाती है तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमीटर से, अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अदिश राशियां हैं तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि, त्वरण, बल विस्थापन, संवेग, अगर आपको ये याद करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिक में देख लीजिए, क्योंकि अदिश और सदिश राशि को कैसे याद करना है इसकी ट्रिक मैंने वहां पर ऑलरेडी दे चुकी हूँ। चलिए सबसे आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल तथा बैंगनी रंग की, ठीक है। सबसे अधिक किसकी, लाल की, और सबसे कम बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ होती है। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील जो है वो रबड़ से भी ज्यादा इलास्टिसिटी रखता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, इन्हें न्यूक्लॉन भी कहा जाता है। सबसे कठोर धातु है तो सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु है। शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है, सही आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड का बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है। पटाखे में हरा रंग होता है किसके कारण, तो बेरियम की प्रेजेंट के कारण पटाखों में हरा रंग उपस्थित होता है। एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर के बराबर होता है तो 746 वॉट, ठीक है, एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है तो क्वार्क, ठीक है, आपको याद रखना है क्वार्क जो है ये पदार्थ का क्या है, लघुत्तम अंश है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जल्दी जल्दी हम इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि बहुत कम समय है आप लोगों के पास और जल्दी जल्दी पूरा हमें कंप्लीट भी करना है। साइंस के बाद आपको पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वीडियो मिलने वाला है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा, ठीक है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, हरा। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा, शीशा तथा टीन विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो सही आंसर है तरंग दैर्ध्य पर, किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है, ठीक है, कैसा दिखाई देता है, काला। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है जल का। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने और आंख, नाक, कान की जांच करने के लिए प्रयोग में आता है तो अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव दर्पण या कॉनकेव मिरर जो होता है ये प्रयोग में आता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम, देखिए यूरेनियम रेडियो एक्टिव है और यही जो नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, उसमें यूज होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का तो 1/6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो पारा, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। सुराही का पानी ठंडा होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण, ठीक है, इसलिए सुराही का पानी ठंडा होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में या किडनी में यूरिन का निर्माण होता है। सबसे लंबा कृमि होता है, करेक्ट आंसर है टेप वर्म, ठीक है, टेप वर्म जो है वो सबसे लंबा कृमि होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है कि किस बल के सिद्धांत पर काम करती है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का
तो 7% होता है, ठीक है। जल की मात्रा शरीर के भाग का 7% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो 1300 ग्राम, लगभग 1300 ग्राम वजन होता है ब्रेन का मनुष्य के। ऊंट का गर्भाधिक काल है तो 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भाधिक काल है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 से 300 दिन का काल होता है। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। अगर पैतृका सिद्ध करनी है, पैटर्निटी सिद्ध करनी है तो डीएनए और फिंगर प्रिंट का यूज किया जाता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जठर रस में पाया जाता है तो सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl प्रेजेंट होता है जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल, फंजाई और एल्गी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलीन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिन में, ठीक है। यूरिया कहाँ पाई जाती है अधिकतम मात्रा में? तो यूरिन में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। देखिए पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है जो हमारे आमाशय में पाया जाता है। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता तो विटामिन सी दूध में नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ होता है, टॉक्सिन कहते हैं जिसे हम। एंजाइम की रचना होती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। फलों और सब्जियों में नहीं होता तो करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सनलाइट से लेना पड़ता है तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है तो करेक्ट आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को हम स्टोर नहीं करते, वो यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केसीन, ठीक है। केसीन प्रोटीन दूध की प्रोटीन है, ठीक है। मेंढक के हृदय में होते हैं तो तीन भाग, कितने भाग होते हैं? तो तीन भाग मेंढक के हृदय में होते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो करेक्ट आंसर है कैल्शियम, प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है मानव शरीर में। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है, करेक्ट आंसर है ग्रेगर मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। किसान का परम सहायक है तो केचुआ, देखिए केचुआ बहुत ज्यादा सहायक है। ये क्या उर्वरता बढ़ा देता है मृदा की, जो किसानों का परम सहायक है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कोशिका शब्द का देखिए यहाँ पर रॉबर्ट हुक आना चाहिए, ठीक है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने केंद्रक जो है केंद्रक का आविष्कार किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका शब्द दिया है रॉबर्ट हुक ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्किड्स और रेफ्लेशिया, ये दोनों सबसे बड़ा फल और यहाँ पे फूल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्तंभकंद घनकंद शकलकंद प्रकंद का उदाहरण है तो आलू केसर प्याज तथा अदरक, ये इसके उदाहरण हैं। अमरूद अंगूर शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फल भित्ति। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो क्या खाया जाता है इनका? फल भित्ति खाई जाती है। आम पपीता बेर के खाने योग्य भाग है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो सही आंसर हो जाएगा तना, ठीक है। तना इनका खाने योग्य भाग है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में या ब्रेन में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी मास्टर ग्लैंड है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, मतलब कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दो जेनेटिकली डिजीज है।
थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मछलियां सांस लेती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज, ये सभी तने के रूपांतरण का उदाहरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्ते में लौह की मात्रा यानी लोहे की मात्रा सर्वाधिक, आयरन प्रेजेंट होता है किसमें? पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो 5 से 6 लीटर खून प्रेजेंट होता है स्वस्थ शरीर में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस्ड रहती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कहलाता है, यहाँ पे माइक्रो है, आपको माइको याद रखना है, माइकोलॉजी कहलाता है कवकों या फंजाई का अध्ययन। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो सही आंसर है कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है हड्डियों में या बोन्स में। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर जोड़े में देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, सही आंसर अस्थि मज्जा या बोन मैरो में रक्त कणिका या ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, किसके द्वारा? अग्नाशय या पैनक्रियास के द्वारा इंसुलिन बॉडी में बनती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना, ठीक है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है, तो जबड़े की हड्डी शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, यहाँ पे राइबोजाइम होना चाहिए, ठीक है, राइबोसोम जो है इसको राइबोजाइम कर लीजिए, राइबोजाइम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो वो तना है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो जांग की अस्थि, जिसे हम फीमर कहते हैं। कौन सी हड्डी है वो? फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो 72 बार हृदय 1 मिनट में धड़कता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करती है, तो ये काम किडनी का है, ठीक है, जो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र कोशिका, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम सेल्स हैं वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, सही आंसर है कुत्ते के काटने से संबंधित होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है वायरोलॉजी संबंधित है, तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी। खून का थक्का नहीं जमता, किस रोग में? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जम पाता। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ये आँख से संबंधित रोग है, आई डिजीज है ये। प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद, ये सभी जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत हीरा का चमकना और मृत मरीचिका के बनने के कारण, ये सभी का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, पित्त उत्पन्न होता है, तो यकृत या लिवर से पित्त उत्पन्न होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80, 120/80 ब्लड प्रेशर होता है स्वस्थ मनुष्य का। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। खून का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की प्रेजेंट के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो किसका यौगिक है? प्रोटीन का, ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता दीजिए, और जो आपके आईसीएआर एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे
डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, इसका मैं वीडियो अभी आपको देने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स का वीडियो देने वाली हूँ। इसके अलावा भी आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। और आपको थोड़ा साउंड प्रॉब्लम भी शायद हो रही होगी क्योंकि घर पर मेरे काम भी चल रहा है इसीलिए, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ ताकि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन का, ठीक है, आपको याद रखना है। आरबीसी का जीवन काल कितना है, तो 120 दिन का। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। रुधिर का तरल भाग है, तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग है। देखिए जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइंस का, ये सब मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसके एमसीक्यूज आप देख सकते हैं जहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो वीडियो है सिर्फ रिविजन के लिए है ताकि आप एक बार रिवाइज करके एग्जाम देने जा सकते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, तो सर्वदाता कौन है, ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, और सर्वग्राही है ब्लड ग्रुप ए बी। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है, तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना गुर्दों यानी किडनी का कार्य होता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, तो 206। शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है, तो पलायन वेग इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल, तो करेक्ट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है, तो अनुनाद के कारण, ठीक है, अनुनाद के कारण ये संभव हो पाता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है। चौराहों पर पानी की फुहार में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित होते हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा, 12 घंटे का, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, दिन कितने घंटे का होगा, 12 घंटे का। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा, ठीक है, आपको याद रखना है ये पलायन वेग से ऊपर चला जाएगा तो ये कभी भी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो करेक्ट आंसर है स्प्रिंग घड़ी, ठीक है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। दाब का मात्रक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल दाब का मात्रक है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।